गाइस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इन दोनों की मेहनत, जो कि लेडी ऑलिवर और बब्जी की सबसे ज्यादा मेहनत है, जोई की भी, इनकी मेहनत की अनबॉक्सिंग। तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपका, आपने इतना प्यार दिया हमें, स्पेशली इन दो बंदरों को जो अभी सिर्फ किसियां कर रहे हैं। और नॉमिनी जी कैसे लगा अवार्ड आया है लेडी ऑलिवर बब्जी का? लीडी ओली बब्जी को बहुत प्यार लगता है। तो जब मैं बब्जी को लेके आया था तो पहली बात तो परमिशन किसी की भी नहीं थी घर के अंदर, स्पेशली पापा की जो इस टाइम प्लेट देख रहे हैं। भगवान हमें जल्द से जल्द ना कितना बड़ा घर दे दे, उसमें ना मैं अपने मम्मी पापा, तुम्हारे मम्मी पापा, मैं कसम से मैं यही चाहता हूँ। हाय हाय राहुल, पूरी दुनिया ने तुम्हारी फटी निक्कर देख लिया। तो इनको एक मट्ठा सा बना देते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ है बे? अब इनको थोड़ा सा मट्ठा बना देते हैं। तो सच सच बताना, सुबह आपको मेरी शक्ल देख के कैसा लगा? सो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है राहुल और मैं आपका स्वागत करता हूँ इन मैडम के चैनल पे, नमितोलॉजी पे। इन मैडम का क्या मतलब है? नमितोलॉजी हमारा पूरी फैमिली का, और मेरा नहीं है ये जो चैनल है ना, किसकी बदौलत है तुम्हें पता है ना, नमितोलॉजी बब्जी और अब जोई। हाँ ठीक है, हमसे तो लोग प्यार करते हैं लेकिन किस्मत वाली लेडी ऑली है, लक्ष्मी है इस घर की। सुबह के बजे 10:30, यहाँ बच्चों का खाना चल रहा है, इनकी समर की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, अब 2 महीने हम परेशान हैं। रियलिटी तो यही है, हम परेशान हैं कि बच्चों को अब एंगेज कैसे करें। एंगेज करेंगे तो इसका देखो ऑफिस का लैपटॉप वहाँ खुला पड़ा, तो ऑफिस का लैपटॉप खुला हुआ है, मन्नी सुबह 9 बजे से अपना काम कर रही है, और 7 बजे से ठीक है, और अभी मन्नी इनको खाना खा रही है। भाई साहब अभी उठे, जे अपना खाना खा चुका है। हाँ जी जे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय कर दो, चलो जय जय करो, बोलो जय जय फैमिली, जय 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 जय। अच्छा, और मंदिर में आज पूजा मैंने कर ली थी, सुबह उठ के मैं नहा चुका था। यहाँ नौमी दीदी अपनी दिनचर्या में लग गई है। चाय बन रहा है। क्या बन रहा है दीदी? चाय बन रहा है। चाय बना रही है दीदी, साथ में बन खाएंगी, है ना? एक्सपायर्ड है, मत खाओ। देती हूँ, गलत चीज मत खाया करो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है ना? हाँ, आज हमने दादा दादी को बड़ी रिक्वेस्ट की है कि दादा दादी आप प्लीज नीचे आ जाओ और थोड़ी देर के लिए हमें राहत दे दो। इकट्ठे रहने के अपने फायदे नुकसान है और अलग रहने के भी अपने फायदे नुकसान है ना? नुकसान फायदा नहीं मैं देखता, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भी रहो बस खुश रहो, ठीक है? भगवान हमें जल्द से जल्द ना कितना बड़ा घर दे दे, उसमें ना मैं अपने मम्मी पापा, तुम्हारे मम्मी पापा, मैं कसम से मैं यही चाहता हूँ, चाहे जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो, एटलीस्ट ऊपर नीचे तो हो, जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो मैं रह लूंगा, मैं रह लूंगी, लेकिन ये तो हो रहा कि मैं अपना कोई काम कर पाऊंगी, कुछ इंडिपेंडेंस हो जाए। तो आप देख सकते हो क्या बोलते हैं कि हम कितने लोग कहते हैं कि मैं अपने सास ससुर से अलग हो जाऊँ, जो मैं कहती हूँ हे भगवान हमें इतना बड़ा घर दो, हम फिर से इकट्ठे रहने लग जाए। हमारे अलग होने का रीजन भी यही था, अलग ऐसे ना घर अलग अलग करने का, क्योंकि जगह ही नहीं थी मम्मी पापा के घर में वहाँ पे, तो हमें फिर उन्होंने यहाँ पे भेज दिया। अब भगवान इतना बड़ा घर दे दे, हे भगवान मैं माता रानी सच्चे दिल से तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, इतना बड़ा घर दे दो कि हम लोग सारे में एक फ्लोर पे मेरे मम्मी पापा, एक पे तुम्हारे मम्मी पापा, एक पे हम लोग, ऐसे करके कितना ऐसे वैसे लाइफ कितनी इजी हो जाएगी ना। आप ये देखो कि लोग कहते हैं कलयुग आ गया, और कलयुग के अंदर भी अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं कि यार हमने सबने साथ साथ रहना है, तो कौन कौन इस वाक्य से सहमत है, कौन कौन जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई कैसे रहता है, क्या अरेंजमेंट्स है, हमें कमेंट्स में बताना। गाइस मैं बचपन से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मैं दादा दादी के प्यार में रही हूँ, तो मुझे पता है कि उस चीज़ की क्या वैल्यू होती है, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को भी आगे वही वैल्यू मिले कि वो अपने दादा दादी से, नाना नानी से, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखें। मेरे दादा दादी पाकिस्तान से माइग्रेटेड थे, तो वो हमें मतलब पूरा सिखाते थे कि उस टाइम के लोगों ने क्या स्ट्रगल देखी क्या नहीं। आजकल के बच्चों को कुछ पता ही नहीं है अपने कल्चरल बैकग्राउंड की, सिर्फ मोबाइल पता है, ये पता है कि दूसरे यूट्यूबर के घर में क्या चल रहा है, अपने घर की फैमिली हिस्ट्री, अपने रिलीजन के बारे में, अपने वैल्यूज कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते, बड़े बूढ़ों के साथ। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि जितना ज्यादा मैं जे और शिवाय को, दादा दादी नाना नानी का एक्सपोजर दे पाऊँ। इवन शिवाय और जे तो इतने टचवुड ब्लेस्ड है कि उनको अपनी सुपर नानी यानी मेरी दादी के का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, वो भी अभी तक हमारे साथ हैं,
तो वो जब भी नानी के घर जाते हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। भगवान सबको लंबी उम्र दे, भगवान सबको लंबी उम्र दे। और मैं चाहती हूँ कि इनके सर पे हमेशा बड़े बूढ़ों का साया बना रहे। इन्हें भी जो ये हाथ जोड़ के जय जी करना सीखा है वो मैंने थोड़ी सिखाया है उसको, वो मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है, वो नाना नानी से सीख कर आया है। क्योंकि नाना नानी के घर पे ना वो क्या कहते हैं पूजा करते हैं, नवरात्रे भी पूरे रखते थे, तो इसको आदत पड़ गई उनके साथ काफी रहा है। तो वैल्यूज बड़ों से ही आते हैं। देखो मुंह छुपा के सो गए, अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, ये ही पूरा दिन का यहाँ का काम है। शिवाय खाना खा ले पुत्र। बोल ड्रामेबाज क्या हुआ, बोल बोल क्या हुआ, अब नहीं बोलना। तो यहाँ राहुल और राहुल पापा के बीच में हो रही है। मैं कह रहा हूँ पापा ने दो दिन से ना दाढ़ी नहीं कटवाई है, तो ये पापा ने इतनी मुश्किल से दाढ़ी बढ़ाई है। और ये ऐसे बंदे हैं जो पिछले 50 साल से रेगुलर शेव करते हुए आ रहे हैं जब ये 20 साल की उम्र के थे। तो उसका रीजन है ना कि जॉब ऐसी थी, बैंक की जॉब थी, बैंक की जॉब थी। और ना इतना मजा आ रहा है जैसे एक यंग बच्चा ना दाढ़ी को हाथ लगा दे रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट के। तो मैं इनको कह रहा हूँ कि दाढ़ी ना मेरी तरह रख लो, पर ये मान नहीं रहे। बहुत सुंदर लगोगे, अनिल कपूर लगोगे आज, बताओ। डायरी करा लो मेरे पापा की तरह। नहीं नहीं पापा जी वो मत कराना, वो तो बहुत ही ज्यादा यंग लग गए। पापा की काली दाढ़ी हो गई, लोग कहेंगे कि पापा ये बैठे पापा, क्योंकि मोटा हूँ मैं। मेरे पापा कलर भी कराते थे याद है, याद है हमने आपके बाल व्हाइट रखवा दिए और व्हाइट जचते हैं पापा। इधर करो पापा जी, ये देखो पापा एक कल में, ये पुराने जमाने की तरह कान पे कवर कर लो ना, ये देखो ना उधर करो, उधर करो फोटो। ये पापा ने पुराने जमाने की तरह अपने कान के ऊपर कवर, ये पहले जमाने में पापा के बाल ना ऐसे हुआ करते थे ऐसे, और पापा ऐसे करते थे ऐसे करके नीचे कर लेते थे कान कवर, क्योंकि बचपन में ना ठंडे ऐसे बचने के लिए इन्होंने किया हुआ। मेरे कान बहुत बड़े बड़े हैं तो उसको ना कवर कर लेते हैं। हम तो इनके खानदानी बड़े हैं, इन बच्चों के तो देखो ना सेम बिल्कुल दादाजी पे है। इसके देखो शिवाय के इतने बड़े बड़े कान है, इसके छोटे हैं। क्या था, बड़े कानों का रिवाज है, रिवाज नहीं है, रिवाज था। बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमान हूँ, अच्छी डील क्रैक की। यस बुद्धिमान हूँ ना मम्मी मैं, कि मुझे अच्छी बीवी मिली। हमारे वीसी वाइस प्रेसिडेंट ने वीपी वीपी ने अप्रूव किया, और हमारी फाइनेंशियल ऑफिसर और हमारी सीएफओ ने हमें हनीमून का पैकेज गिफ्ट किया। हनीमून का पैकेज दिया जो, क्या कहते हैं, स्त्री धन दिया। थैंक यू सीएफओ, थैंक यू प्रेसिडेंट। तुम्हारी शादी भी दादा दादी नहीं करानी है, सुन रहे जे? तेरी शादी दादा दादी कराएंगे। अभी बनके तैयार हो गए हैं दाल और साथ में चावल, और यहाँ मैंने राहुल का डाल दिया है खाना, क्योंकि राहुल ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ खाया हुआ है तरबूज, प्याज काट दिया है, लस्सी मैंने बना के ठंडी करने फ्रिजर में रख दी है, ये देते हैं राहुल को। और बताओ क्या चाहिए? अचार। कौन सा? नींबू का। ठीक है, जिस पल का था इंतजार वो घड़ी फाइनली आ गई है, हमें रिसीव हो गई है हमारी सिल्वर प्लेट, और ये भैया बाहर खड़े हैं देने के लिए। हटो शिवाय, हटो 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 हटो, क्या लाए हो भैया? थैंक यू। तो ये आ गई हमारी प्लेट, थैंक यू सो मच भैया, आपका पता कितने दिनों से इंतजार हो रहा है। थैंक यू। चलो शिवाय अंदर, देखो क्या आया है गाइस, ये सब आपकी वजह से आया है, सब कुछ आपकी वजह से। फाइनली हमें YouTube की प्लेट आ गई है, और यहाँ मन्नी बहुत खुश है। yes. हाँ जी पापा जी, हमें YouTube की प्लेट आई है। What is YouTube? आपको नहीं पता क्या है YouTube? आप दिन भर आज तक लाइव किस पे सुनते हो? दाढ़ी क्या नहीं कटवाई तुमने, अपने आपको सच में अनिल कपूर समझ रहे क्या? तो हमें यूट्यूब की प्लेट आई है। ठीक है, यूट्यूब की प्लेट तब आती है जब आपके 1,00,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। सेकंड अभी आएगी जब 1,000,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब आएगी। अभी सिल्वर आई है, जब 1,000,000 हो जाएंगे तो गोल्डन कलर की आएगी, तो और बड़ी होती है साइज में, ये इतनी होगी मेरे ख्याल से, वो और बड़ी होती है। तो उसको अनबॉक्स करें? हाँ करते, पापा को दिखाते हैं। पापा सोच रहे थे कि वो क्रॉकरी की आई है, वो वाली प्लेट नहीं होती, ये प्लेट दूसरी होती है। आपने ऐसे क्यों सोचा क्रॉकरी की प्लेट आई है? उनको ऐसे लगा, कहते मेला माइन की है। हम प्लेट कर रहे थे ना, तो उन्हें लगा कि कोई क्रॉकरी आई है। नहीं, नहीं, चला दिखा जरा।
बब्जी मजनू की जोड़ी, बब्जी तो पक्का रोमियो हुआ, पड़ा रोमियो बब्बे कम। ये देखो क्या आया, ये देखो क्या है बच्चों, ये इन दोनों में से स्मेल आ रही है ना। हाँ राहुल क्या बात है, इनसे थोड़ी वो आ रही है, क्या बात हो, सुसु की स्मेल आ रही है ना, क्योंकि वो अभी एक दूसरे को लिक कर रहे हैं। बुला ना बब्जी, बब्जी आजा 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 मेरी गुड़िया आजा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इन दोनों की मेहनत, जो कि लेडी ऑलिवर और बब्जी की सबसे ज्यादा मेहनत है, और जोई की भी, इनकी मेहनत की अनबॉक्सिंग। ये जो कुछ भी हुआ है इन दोनों की वजह से पॉसिबल हुआ है। Hola, come. Babe, sit. Sit. ये लो तुम्हारी प्लेट आ गई है। तो गाइज थैंक यू सो मच, ये हो गई है अनबॉक्सिंग नमतोलॉजी बब्जी एंड लेडी ऑलिव। बब्जी ये देखो क्या है, बब्जी बब्जी को तो ना भगवान की तरफ से दूसरा अवार्ड और प्रसाद मिला हुआ है, इसको इन अवार्डों से ना कोई मतलब नहीं है, कोई भी, हद हो गई वैसे। देख दादी पास चला रही है, दादी बोला, लेकिन लेकिन अंदर से ना ये हो रहा है कि वो वाला को कोई ना ले जाए पीछे से, है ना, कैसा खराब लड़का हुआ पड़ा भाई, कैसे उसको हगिया कर रहा है कि मत जा पापा के पास, तुम्हें भी नहीं हाथ लगाने दे रहा राहुल वो लेडी ऑली को। तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपका, आपने इतना प्यार दिया हमें, स्पेशली इन दो बंदरों को जो अभी सिर्फ किसियां कर रहे हैं, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए आगे भी, शिवाय के लिए, जे के लिए और हमारी फैमिली के लिए। तो जब मैं बब्जी को लेके आया था तो पहली बात तो परमिशन किसी की भी नहीं थी घर के अंदर, स्पेशली पापा की जो इस टाइम प्लेट देख रहे हैं। है पापा कितना गुस्सा हुए थे जब बब्जी को लाए थे, तो बब्जी से दो दिन बात नहीं की थी, इवन इनफैक्ट हमसे भी किसी से बात नहीं की थी, और मम्मी ने तो मना कर दिया था कि इसकी घर के गृह प्रवेश में टीका भी नहीं करूंगी, याद है आपको, मम्मी ने वो भी मना कर दिया था। तो किसी को क्या पता था कि आज वही माँ बाप जिन्होंने मना किया था वही उसकी प्लेट को ना झाक झाक के देख और प्राउड फील कर रहे हैं। पता है मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, अब अगर आप कहीं निकलोगे ना कहीं बाहर और किसी ने आपको पहचाना तो वो कहेंगे बब्जी के दादा दादी हैं। सही बता रहे हो, सीरियसली इस टाइम आपका अपना नाम या आपके बेटे का नाम, मतलब राहुल के मम्मी पापा या फिर हाँ शिवाय के नाम से, शिवाय के दादा दादी के नाम से जाने जा सकते हैं। हाँ, शिवाय जे और मेन क्रेडिट बब्जी और लेडी ऑली को, बब्जी और लेडी ऑली को, क्योंकि सारा प्यार ही इन दोनों की वजह से है, और किसी ने नहीं सोचा था अभी ये थोड़ा सा दीवाना हुआ हुआ है, थोड़ा सा रिएक्टिव हुआ हुआ है, पर मैं इसको थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ी देर ये लेडी ऑली का पीछा छोड़ दे। आ गई है हमारी, और हम लेडी ऑली एक इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से लेके आए थे। इवेंचुअली जब ये थोड़ा सा अकेला हो गया था कोरोना के टाइम में, तो हम सब बीमार थे और ये बहुत अकेला बैठता था, तो हमने डिसाइड किया था कि भगवान ने अगर हमें सबको ठीक किया तो इवेंचुअली हम इसके लिए एक साथी लेके आएंगे, और जैसे ही हम ठीक हुए और हमने एक रोड ट्रिप बनाया तो हम उसको लेके आए लेडी, तो हम इस पागल को लेके आए। इस पागल की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई हुई है, क्योंकि ये जब आई अनफॉर्चुनेटली इसको पार्वो वायरस हो गया था, और वो 4 से 6 महीने तक इतनी डेफिशिएंट थी कि इसको बाहर ले जाना मना था डॉक्टर से, तो इसकी सोशलाइजेशन और सारे पॉइंट्स वैलिड ही नहीं है। जितना ये सीखी है वो इसी से सीखी है, और जितना ये बिगड़ा है उसकी वजह से बिगड़ा है। तो यही हंसी खेल के हमारी घर की एक जोड़ी बब्जी और लेडी ऑली और अब जोई आप लोगों के दिल में बसी है, तो मैं बहुत हाथ जोड़ के आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, और आगे भी अपना प्यार प्लीज़ बनाए रखिएगा, और देखते हैं कि हमारा चौथा पेट 2024 में कौन होगा। हाँ मम्मी चौथा पेट कौन सा लेना है, अभी सोचते हैं बेटा। अच्छा आप सोचते हैं, पहले मना कर रही थी कि एक भी मत लाओ, है अब प्लेट आ गई ना हाथ के अंदर तो कह रही है अब चौथा भी ले लेंगे। अब गोल्डन प्लेट चाहिए आपको, तो चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां सब कौन सा लाना है अगला पेट, अभी मालूम नहीं, ले आए ले आओ, इजाजत है फिर तो नहीं कहोगे बिना पूछे ले आते हो, ले आओ अब ले आओ, अच्छा लगा देख के, दिखाओ प्लेट आपको। तो हमने बड़ों का आशीर्वाद ले लिया है और सबसे छोटों का भी ले लिया है, और आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे। नॉमिनेशन कैसे लगा, अवार्ड आया है लेडी ऑली बब्जी का, लगा लीडी ऑली बब्जी को बहुत प्यार लगता है।
हाँ तो गाइस जितना भी लेडी ऑली है बब्जी का ध्यान खाना पीना, कई बार हम बिजी हो जाते हैं, हमसे भी चीजें मिस हो जाती हैं, लेकिन नोमी दीदी अपना खाना बाद में खाती है, पहले जोई बब्जी लेडी ऑली। और इन्होंने कभी भी ना राहुल, इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि ऊपरापन किया हो कि मैं इनके सुसु नहीं उठाऊंगी या इनका पॉटी, सब जोई है न्यू है, तो कभी भी दीदी ने ऐसा नहीं किया कि कोई नखरा किया हो या कुछ भी। हाँ दीदी हमारी फैमिली जैसी है, फैमिली ही है, और ये अवार्ड दीदी के लिए भी है। थैंक यू दीदी। तो प्लीज आप लोगों के सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, nomithology_mom इंस्टाग्राम का हैंडल है, इवन हमारे नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे जाइए सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे एक्सक्लूसिवली कंटेंट आता है हमारी फैमिली बेस्ड का, ठीक है, डॉग्स का जो आता है वो nomithology पे आता है और मन्नी और हमारी पर्सनल लाइफ उस पे आती है। अगर आप ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप उस कॉन्टेंट में भी इंटरेस्टेड हैं, तो nomithology mom को जल्दी से फॉलो कीजिए। और हमने एक बैकअप चैनल nomithology शॉर्ट्स, जहाँ पे यूनिक वीडियोज हैं जो हम कहीं पे भी शोकेस नहीं करते, अनकट अनफिल्टर्ड उस पे आती है, वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमारे एक पार्टनर चैनल के टैब में भी आपको मिल जाएगी, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। बंद हो गई बब्जी, बस कर यार, कितनी किसियां लेगा उसकी, ये देख मेरे मेरे मेरा इसका हाल देख, लारे देखो ये किसियां की लारे, ये देख मेरी इसने निक्कर भी फाड़ दी। हाय हाय राहुल, पूरी दुनिया ने तुम्हारी फटी निक्कर देख लिया। अरे इसने पैर रखा, वो कर आवाज आ गई इसके पैर रखने से। अभी ना इसने अपना पंजा ना मेरे उस पे भी रखा था पैर पे, ये देख पंजा देख कितना हैवी है, ये देख बड़ी गलत जगह, अभी बहुत गलत जगह रखा हुआ है, पर कुछ नहीं होता, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, है ना बब्बे बब्जी। अब इनको दही देने का टाइम आ गया क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इनको एक मठ्ठा सा बना देते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ है बे? अब इनको थोड़ा सा मठ्ठा बना देते हैं। पर ये मठ्ठा मम्मा, ये मेरे को क्यों भोक रहा है? दो गई मैं अपने घर में भी नहीं बैठ। तो गाइस इसी के साथ इस खुशखबरी के लिए आप सबको मुबारक मेरी तरफ से, nomithology की पूरी फैमिली को, और जोई देख ले, तू भी देख ले अच्छे से, अगली बार जोई का नाम भी होगा, पर चैनल पहले ही वेरीफाई हो गया था, अप्लाई पहले से ही की हुई है, प्लेट तब जोई नहीं थी इसीलिए इसका नाम नहीं है, लेकिन पक्का जोई इससे भी ज्यादा बड़े अच्छे अच्छे काम करेगी। इसी के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आज मोटा डिनर कराएगा बाहर, पक्का मोटे कराओगे? हाँ। तो हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने, वो आपको करके ब्लॉग में दिखाएंगे, चलो तब तक के लिए ओके बाय।